मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ने लगी है। ज्यादातर शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर रहा है। बढ़ते तापमान और तेज धूप के कारण दोपहर के वक्त लोग घरों से बाहर निकलने में संकोच कर रहे हैं। हालांकि उत्तर पश्चिमी हिस्से में पश्चिमी विक्षोभ के नए सिस्टम के एक्टिव होने से बुधवार के बाद मौसम में कुछ बदलाव होने के संकेत मौसम वैज्ञानिकों ने दिए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। चढ़ते पारे और तेज धूप ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है। प्रदेश के कई जिलों सहित जबलपुर में भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर रहा है। गर्मी से बचने के लिए लोग सुबह और शाम घरों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। दोपहर के समय गर्म हवा चलने के कारण भी लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। लोग धूप और गर्म हवा से बचने के लिए टोपी और गमछे का सहारा ले रहे हैं। मौसम भैया करीब देखा जा रहा है तो पिछले दो दिनों से बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, इतनी तादाद में कि आम आदमी का जीना दुश्वार हो चुका है। अब वो अपने मजदूरी में करने में निकल भी तकता है तो कहीं पे धूप में छांव तक की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि शहर में सारे पेड़ पौधे जो बड़े बड़े वृक्ष थे वो काट दिए गए हैं, और आज तक कहीं नहीं, कम से कम कुछ ये बचे हुए हैं जिनमें हम लोग थोड़ा छांव में बैठकर ठंडा पानी की व्यवस्था को देख रहे हैं कि कहीं पानी भी मिल जाता तो हम लोग पी पा के फिर अपने काम पे निकलते। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार के दोपहर अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों ने आगामी 24 घंटे में मौसम में बदलाव होने के संकेत दिए हैं।